देखिए गाइस, ये हमारे एरिया का सबसे बेहतरीन प्रिंटिंग प्रेस है जिसका नाम है रॉयल प्रिंटिंग प्रेस। और ये रॉयल प्रिंटिंग प्रेस हमारे एक मित्र, इनका नाम है जसीम अहमद, उनका ये प्रिंटिंग प्रेस है। देखिए गाइस, ये बहुत ही अच्छा प्रिंटिंग प्रेस है। अगर आप शादी ब्याह या कोई संस्थान खोलना चाहते हैं या और भी आपका कोई प्रोग्राम करना चाहते हैं और इसके लिए आपको प्रिंट की ज़रूरत पड़ती है तो आप रॉयल प्रिंटिंग आ सकते हैं गाइज। गाइज, इसका एड्रेस है मधुबनी कोतवाली चौक। हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत करता हूं एक नए ब्लॉग वीडियो में। गाइज, देख सकते हैं हमारे पीछे ये है रॉयल प्रिंटिंग प्रेस और ये हमारे एरिया का काफ़ी फेमस रॉयल प्रिंटिंग प्रेस है। तो चलिए आज के इस ब्लॉग वीडियो में इसी प्रिंटिंग प्रेस के बारे में बात करेंगे और इसके जो प्रोप्राइटर हैं उनसे हम लोग बात करेंगे। तो चलिए तो गाइज, आज मैं रॉयल प्रिंटिंग के प्रोप्राइटर जसीम भाई का इंटरव्यू लेने वाले हैं और वो अपने इस प्रिंटिंग प्रेस के बारे में कुछ जानकारी हम लोग से शेयर करने जा रहे हैं। तो चलिए उनसे हम जानकारी लेते हैं। ये हमारे रॉयल प्रिंटिंग के प्रोप्राइटर सर हैं, इनसे हम बात करते हैं, ये बताएंगे ये इनका जो संस्थान है रॉयल प्रिंटिंग इसके बारे में। तो सर, आपका पहली बार की आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम जसीम अहमद है जी। हम यही भगवाड़ा से बात करते हैं जी। और मेरा ये बिजनेस है, लगभग 4 साल से है जी। प्रिंटिंग सजेशन में काम करते हैं जी, मतलब डील करते हैं प्रिंटिंग से रिलेटेड, गिफ्ट आइटम हो या फिर फ्लैक्स प्रिंटिंग हो, पैम्फलेट्स वगैरह हो, ग्रीटिंग कार्ड्स का भी हम लोग डील करते हैं। तो प्रिंटिंग हम लोग डील करते हैं, चाहे वो गिफ्ट आइटम हो या फिर पेपर प्रिंटिंग हो, फ्लैक्स प्रिंटिंग हो, वेडिंग कार्ड प्रिंटिंग हो, हम लोग उसमें डील करते हैं। तो ये सर, आप बताएंगे कि ये रॉयल प्रिंटिंग आपने कब से ये खोला हुआ है? ये सर, ये लगभग 2017 से है और हम लोग कंटिन्यू काम कर रहे हैं 2017 से। या फिर वेडिंग कार्ड्स हैं, पोस्टर्स हैं, बैनर्स हैं, तो इस सब में डील करते हैं हम लोग। तो कस्टमर इन सब चीज़ों के लिए हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमारे पास आ सकते हैं और हम लोग जो टाइम देते हैं पूरी कोशिश करते हैं कि उससे पहले पहले उसकी डिलीवरी हो जाए, वो हम लोग डिलीवर करते हैं टाइम से। और दूसरी बात जो सबसे बड़ी है वो है कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ये बहुत बड़ी चीज़ है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि कस्टमर को 100% सेटिस्फाइड करें, ये बहुत बड़ी चीज़ है जो आमतौर से लोग नहीं कर पाते। ये हमारी सबसे पहली कोशिश होती है कस्टमर जो है वो 100% सेटिस्फाइड हो। अच्छा सर, आप अपने बारे में कुछ बताएंगे, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है? जी, हमने LNMU से अभी BEd कम्प्लीट किया है, जैसे MMSU से ग्रेजुएशन किए थे और उसके बाद अभी हम MPTC से जो है वो BEd किया है और अभी कंटिन्यू जो है बिजनेस को लेकर चल रहा है। तो बोला जा सकता है कि आप सरकारी जॉब के भी इंतज़ार में हैं और ये आपका एक तरह से स्वरोजगार है। आपने अपना अपना स्वरोजगार खोला हुआ है जी। हमारे साथ एक और कस्टमर आए हुए हैं रॉयल फील्ड के, तो इनसे हम जानकारी लेना चाहेंगे। अब ये है नातुल्ला सर, जो कि बेनीपट्टी से आए हैं और रॉयल प्रिंटिंग के कस्टमर हैं। इनका रॉयल प्रिंटिंग पर बहुत ज़्यादा भरोसा है, जिसके वजह से अपना बेनीपट्टी का एरिया छोड़ करके ये मधुबनी हमेशा रॉयल प्रिंटिंग में अपना प्रिंट कराने के लिए आते हैं। तो इनसे हम लोग पूछते हैं कि रॉयल प्रिंटिंग के बारे में आप अपना अनुभव साझा कीजिए। रॉयल प्रिंट का तस्करा हमारे साथियों के जरिए हुआ था और मैं भी यहाँ आया। कोई भी कस्टमर किसी दुकानदार से सामान नहीं लेता है, बल्कि उसके अखलाक अच्छे किरदार से काफ़ी मुतासर होता है। ये चीज़ मैं जसीम भाई के अंदर पाया हूँ। अलहमदिल्ला काम होता है यहाँ, जो वक्त उस वक्त मुझे मुहैया करा देते हैं। खास करके उर्दू जबान में काफ़ी महारत रखते हैं, तलफ़ुज़ की अदायगी और बेहतरीन अंदाज में लिखावट, जिससे कस्टमर किसी भी बैनर में या शादी कार्ड हो उसमें लोग भी देखकर काफ़ी मुतासर होते हैं। दूसरी जबान हिंदी है, अंग्रेज़ी, उसमें भी माशाल्लाह महारत है, इनको कमी नहीं है। कम कीमत में जी कीमत कर रहे हैं। ये रॉयल प्रिंटिंग के
कस्टमर है, अनुभवी कस्टमर है ये रॉयल प्रिंटिंग के। जब से ये रॉयल प्रिंटिंग खुला है तो इनसे हम पूछते हैं कि रॉयल प्रिंटिंग के बारे में आप अपना अनुभव साझा कीजिए हम लोगों से। तो आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम नफीस अहमद हुआ जी। मैं पहले और 10 जगह भी प्रिंट का काम करवा चुका हूँ, जैसे शादी कार्ड वगैरह और पोस्टर वगैरह। लेकिन जब से मैं यहाँ से जुड़ा हूँ, इनसे जान पहचान हुई है, तो यहाँ मैंने देखा है कि एक तो टाइम से डिलीवरी हो जाती है जो कि हम काम देंगे, प्लस में क्या है कि इनका जो क्या कहते हैं सर्विस है वो मतलब टाइमली हुआ। दूसरा क्या है कि इनकी फिनिशिंग जो है पैसनेट है, मतलब काम हो जाता है। और इस तरह के मैंने देखा है कई गिफ्ट आइटम भी मैंने लिया है, देख सकते हैं यहाँ पर कप वगैरह लगा हुआ है, वो काफ़ी बेहतरीन प्रिंटिंग होती है। और यही कहना है कि ये इनका जो काम है इनका और इनका जो व्यवहार है वो काफ़ी अच्छा व्यवहार है ना। मतलब कहने का ये है कि जो भी अदर प्रिंटिंग पे रहता है उससे रिजनेबल रेट पर यहाँ काम हो जाता है। और जब से मैं जुड़ा हूँ मुझे कोई शिकायत नहीं रही है, क्योंकि मैं जब भी आया हूँ टाइम पे जो भी है मेरी डिलीवरी हो जाती है, मेरे कामों की डिलीवरी हो जाती है। और यही कहना है। और ये तो क्या आपको जो यहाँ फैसिलिटी है वो समय से पहले हो पाती है? हाँ, समय से पहले हो जाती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता। जब भी टाइम ड्यूरेशन दिया है ना, उसी के अंदर वो कार्ड बना के दे देते हैं, या जो भी है पोस्टर बनाना हो, पम्पलेट हो, इस तरीके से जो भी है वो से पहले जी। तो आप दूसरे ग्राहक को क्या कहेंगे रॉयल प्रिंटिंग? यही कहूँगा कि यहाँ आए, यहाँ सर्विस का मतलब देखे और सब बताए, वो भी बताएं कि कैसा लगा। क्योंकि यहाँ मैंने देखा कि सब अदर जगह से बेहतर है जी, व्यवहार भी इनका अच्छा है जी जी जी। और व्यवहार ही से मतलब काम आगे बढ़ता है। We'll be right back.